Hello students, today we are going to read a new chapter from EVS, chapter number 21, means of transport. बच्चों means of transport बोले तो transport होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना. वो अपने roadways से भी जा सकते हैं, airways से भी और waterways से भी. तो आज हम उसके बारे में information लेंगे. We go from one place to another by different vehicles. These vehicles are also used to carry goods. They can be used on land, in water or in the air. तो बच्चों from one place to another different vehicles. तो हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम vehicles use करते हैं और वो vehicles हम goods carry goods बोले तो सामान ले जाने में भी हमको helpful रहता है. ठीक है, क्योंकि अपने पार्सल जाता है, कोरियर जाता है, तो वो एक जगह एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं. तो दे कैन बी यूज्ड ऑन लैंड, इन वाटर और इन द एयर. वो हम लैंड पे भी चला सकते हैं. व्हीकल्स अलग होते हैं, वाटर व्हीकल्स भी अलग होते हैं और एयर व्हीकल्स भी अलग होते हैं. सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. जो हम लैंड पे, जो जमीन पे जो चलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के बारे में हम आज उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे. ठीक है ना बच्चों, आप तो यू तो देखते ही हो ना लैंड पे चलने वाले व्हीकल्स के बारे में. इन सिटीज कार्स, बसेस, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, साइकिल रिक्शास एंड ऑटो रिक्शास आर द मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. हम शहरों में देखते हैं, सिटीज बोले तो शहरों में क्या क्या व्हीकल्स देखते हैं. नाम दिया है, देखो पिक्चर भी है. कार्स, बसेस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल रिक्शा. देखो कार, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ये सब जमीन पे चलते हैं. लैंड बोले तो जमीन पे चलते हैं. तो इनको कहा है लैंड ट्रांसपोर्ट. आप लोग भी ट्रैवल करते हो ना, इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो आप, आपके पेरेंट्स घर पे लोग यूज करते हैं. तो ये सिटीज में यूज होने वाले व्हीकल्स के नाम है. अब हम देखते हैं इन विलेजेस बाइसिकल्स, टोंगास, पुलर कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स आर द मेन मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. अभी जो मैंने नाम बताए विलेजेस, विलेजेस बोले तो गांव में, गांव में व्हीकल्स जो यूज होते हैं वो अलग होते हैं. तो कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं? पुलर कार्ट, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर्स, ये ट्रैक्टर है, टोंगास, हॉर्स कार्ट. यानी टोंगास कौन चलाता है? हॉर्स चलाता है. बुलक कार्ट बुलक चलाता है, बैल, इसलिए बैलगाड़ी. ये घोड़ा गाड़ी, हिंदी में हम इसको बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, क्योंकि हॉर्स चलाता है. और बाइसिकल, ये सिटीज में भी यूज होती है, विलेजेस में भी यूज होती है. ठीक है ना. ऑल द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैव व्हील्स टू मूव ऑन लैंड, सो दे आर कॉल्ड व्हीकल्स. कोई भी व्हीकल हो, साइकिल हो, ट्रैक्टर हो, बुलक कार्ट, बाइसिकल, कुछ भी हो, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? व्हील्स. ये देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील्स है. देखो ये पतली है, साइकिल के लिए पतली व्हील यूज होती है, कार के लिए है, ये ट्रैक्टर के लिए है. तो ये सब, अब जब भी आप कोई व्हीकल पे देखो ना बच्चों, तो व्हील्स भी देखना कि कौन से व्हीकल के लिए कौन से टाइप की व्हील यूज हुई है. क्योंकि रोड पे चलाना है कोई भी व्हीकल तो हमको व्हील्स की नीड होती है. ठीक है. ट्रेन्स, ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स लेड ऑन द ग्राउंड, दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. ट्रेन भी बच्चों लैंड पे ही चलती है, पर उनके लिए अलग से ट्रैक्स बिछी हुई होती है. ट्रैक्स बोले तो पटरी, TRACKS, ट्रैक्स, वो लैंड पे ही लगाई हुई रहती है, पर ट्रेन उसी ट्रैक पे चलती है. और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. वो एक साथ में बहुत जनों को बिठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है. ठीक है. अ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, वी कैन ट्रैवल इन द स्काई बाय एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स. अब हवा से, एयर बोले तो हवा, हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, और वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. वहाँ उसमें हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं. तो कौन से हैं? एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर. इन दोनों में हम जाना हो तो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम टाइम में पहुँच सकते हैं, और वो ऊपर आसमान में उड़ता है. तो बच्चों हमने टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लिए और पढ़ भी लिए और समझ भी गए. एक है लैंड ट्रांसपोर्ट एंड एक है एयर ट्रांसपोर्ट.
अब हम थर्ड वाला ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, वो है मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट सेल ऑन वाटर, अ लार्ज बोट इज कॉल्ड अ शिप. तो जो पानी में यूज होने वाले जो व्हीकल्स है उनके नाम क्या है? बोट और शिप. उसमें हम पानी के थ्रू कहीं पे भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं. पर बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें क्या हम बहुत जल्दी जा सकते हैं एक जगह से, और वाटरवेज में हम को टाइम लगता है, एक्स्ट्रा टाइम ले हो तो हम वाटरवेज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो है. तो आपको अभी ये ट्रांसपोर्टेशन वाला सब चैप्टर समझ में आ गया बच्चों? अब आप रीड करें और एंजॉय करें और सारे व्हीकल्स के नाम ध्यान में रखें. थैंक यू.